नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अफसरों के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक मैसेज घूम रहा है कि यदि आपका प्रमोशन हो के आप कर्नल बन गए हैं, विंग कमांडर बन गए हैं, कमांडर बन गए हैं, तो इमीडिएट आपको एक हाउस लोन लेना चाहिए। लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो एक हाउस लोन लेना है। दूसरा, 50,000 एनपीएस में इन्वेस्ट करना है। और तीसरा है कि पेरेंट्स के मेडिकल बिल को संभाल के रखना है, क्लेम करने में सुविधा होगा। ये कौन से ऑफिसर हैं जिनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस तरह का मैसेज आ रहा है? तो ये ऑफिसर इस तरह से हैं जिनका बेसिक 1,24,800 है, लगभग 1.25 लाख रुपए बेसिक है। इधर जो लेफ्ट साइड में आपको पैसे दिखा रहे हैं ये मिलते हैं, और इधर जो राइट साइड में पैसे दिखा रहे हैं वो कटते हैं, डिडक्ट होते हैं। तो इसको मैं सिंपल बना के यहाँ पे जोड़ा हूँ कि 1,87,000 रुपया उनको मिलते हैं और 56,664 रुपया कटते हैं, ग्रॉस उनको 1,30,000 रुपया मिलता है। अब यदि मैं अगर विंग कमांडर होता, कर्नल साहब होता, या कमांडर होता नेवी का, या आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होता, इसी तरह 1,25,00,000 रुपया का बेसिक मेरा होता, मैथ में मानते हैं ना माना कि, तो मैं मान लेता हूं कि माना कि मैं एक ऑफिसर होता, तो मैं क्या करता, मैं वो आपको बता रहा हूं कि मिनिमम प्रोविडेंट फंड डीएसओपी जो हम कटाते हैं वो बेसिक का मिनिमम 6% होना चाहिए। तो 1,25,00,000 रुपया बेसिक का 6% निकालेंगे तो 7,788 रुपया होता है, और 5,000 रुपया इंश्योरेंस में जो कटता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 12,500 रुपया मंथली हुआ। 12 महीना में ये 1,50,000 रुपया होता है, यानी कि 1,50,000 रुपया 80C में आप यहां से पूरा हो गया आपका। ये जो हम प्रोविडेंट फंड में पैसा कटा रहे हैं प्लस जो इंश्योरेंस में हमारा 5,000 रुपया जा रहा है, दोनों ही 80C के अंदर टैक्स के अंदर आता है। यानी कि 1,50,000 रुपया जो रिक्वायरमेंट पूरा करना है साल का टैक्स बचाने के लिए, ये तो आपका यहीं से पूरा हो गया। अब फिर से तीनों क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, टेक ए होम लोन, मतलब एक घर ले लेना चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या उस घर में आप 365 डेज रहने जा रहे हैं? अगर तो कोई व्यक्ति 365 डेज रहने जा रहे हैं तो लीजिए, ये नहीं कि आपका रैंक बढ़ गया, आपके पास पैसे ज्यादा आ गया तो घर ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। और यदि ऐसा कर लिया कि घर का जरूरत नहीं है और घर ले लिया, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को कभी नहीं पा पाएंगे। मैं इसको एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूं कि आपके पास पैसे आ गए तो आपको एक मर्सिडीज कार खरीदना है 50 लाख का, आपने खरीद लिया, अपने शौक के लिए खरीद लिया, तो अब आप उसको चलाएंगे ना, अपना शौक अरमान पूरा करेंगे ना, या फिर उसको ओला और उबर में लगा देंगे कि वहां से 20,000 रुपये कमाएंगे। आप घर के साथ भी यही कर रहे हैं, घर ले लिया उसको रेंट पे लगा दिया। अगर तो आप उसमें नहीं रह रहे हैं तो लेना ही नहीं है। जब आपको 365 डेज वहां पे रहना है तब लेना है, तब पैसे का कैलकुलेशन नहीं करना है कि इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करना है। इस एनपीएस को मैं कभी नहीं समझ पाया, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया हूं कि 40% पैसा जो बाद में जिसका पेंशन देंगे वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका मुझे आंसर नहीं पता है। आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस मैसेज को घुमाइए कि 40% पैसा जो कंपनी के पास रहेगा जहां से पेंशन मिलेगा, ये पैसा हमारे जाने के बाद हमारे नॉमिनी को मिलेगा, और यदि मिलेगा तो कितना मिलेगा। जबकि मैंने 13% के रेट से कैलकुलेट किया है तो ये 12 करोड़ रुपया तक जा रहा है, जब हम ऊपर जाएंगे तो ये लगभग 12 करोड़ रुपया एक्युमुलेट होके हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि मेडिकल बिल को संभाल के रखना है, यानी कि मेडिकल बिल को संभाल के रखना है कि इसका मतलब कि पेरेंट्स, हमारी फैमिली बीमार भी होंगे, वो बार बार मेडिसिन भी खाते होंगे, चक्कर भी लगाते होंगे। मैं और मेरे फैमिली पिछले 5 साल से कहीं चक्कर नहीं लगाया है, एक भी मेडिसिन नहीं खाया है। मैं कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूँ, वो प्रोटोकॉल इस तरह से, कोई भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो करे तो उनके जिंदगी में बीमारी हो ही नहीं सकता है। वो प्रोटोकॉल इस तरह से है कि नाश्ते में 700 ग्राम सिर्फ फ्रूट्स खाना है 12 बजे तक, उसके बाद लंच एंड डिनर के पहले 350 ग्राम सैलेड लेना है, और जो लंच और डिनर करते हैं उसमें मिलेट्स का कुछ भी बनाना है, मिलेट्स का खिचड़ी, मिलेट का पुलाव, मिलेट का दलिया, मिलेट्स का ढोसा, जो कुछ भी बनाना है मिलेट्स का बनाना है। पिछले 5 साल से मैं इस डाइट को फॉलो कर रहा हूँ, और जो भी प्रॉब्लम था मेरे फैमिली मेंबर्स में सबका प्रॉब्लम चला गया, कोई भी मेडिसिन नहीं खाते हैं, कोई भी चक्कर नहीं लगाते हैं। अब आते हैं आपके टॉपिक पे कि मान लेते हैं कि टोटल सैलरी 1,30,000 रुपया हाथ में आता है। मैं कहता हूं कि इसमें 80,000 रुपया आप खर्चा कर दीजिए, बच गया कितना, 50,000 रुपया। उस 50,000 को आप SIP कीजिए अच्छे म्यूचुअल फंड में, 5,000 रुपया करके 10 SIP ले लीजिए, और ऐसा 15 साल तक चलाइए। मात्र 13% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो पैसा 90,00,000 रुपया जमा होगा, और मेच्योरिटी वैल्यू बनता है 2,77,00,000 रुपया। आप कहेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड नहीं करना है, तो क्या करना है सर? आपको डीएसओपी करना है, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना है, तो आने वाले फ्यूचर में एवरेज में 6% का रिटर्न मानूं तो पैसा बनता है 1,46,00,000 रुपया। इसका दूसरा मतलब मैं बताता हूं कि एक व्यक्ति, एक ऑफिसर म्यूचुअल फंड SIP में पैसा इन्वेस्ट करते हैं आने वाले दिनों में, और 13% का रिटर्न पोर्टफोलियो डिलीवर करे तो 2,77,00,000 रुपया होता है। यानी कि दो ऑफिसर एक साथ रिटायर करते हैं तो एक जिन्होंने SIP का रास्ता चुना उनके पास 2 गुना पैसा होगा दूसरे ऑफिसर के तुलना में।
और जिन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP का रास्ता चुना उनके जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा, जबकि वो जो हमेशा प्रोविडेंट फंड DSOP करते रहे रिटायरमेंट होने के बाद भी 4 साल नौकरी करते हैं। आपको वो 4 साल नौकरी नहीं करना है तो आपको म्यूचुअल फंड SIP में पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा 14-15 साल के लिए। नहीं करेंगे तो जो आप कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। ये तो मैंने 13% का रिटर्न दिखाया, जबकि मैं अपना पोर्टफोलियो जो मैं 14-15 साल से चला रहा हूँ मुझे वहां पे 16.9% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 50,000 रुपये पर मंथ एवरेज में किया होता तो मेरे को 4,10,00,000 रुपया होता। मैं अपना लाइव पोर्टफोलियो यहाँ दिखा रहा हूँ कि टोटल पैसा जो मैं एक्यूमुलेट किया हूँ म्यूचुअल फंड SIP से 1,02,57,747 रुपया, जिसका परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे 16.9% का रिटर्न पिछले 14-15 साल में ये एक्यूमुलेट होके हमें मिला है। यदि मैं DSOP प्रोविडेंट फंड करता होता तो मैं कहीं का ही नहीं होता। आपको इसी तरह और कुछ कैलकुलेशन जानना है और यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मार्केट से डरते हैं म्यूचुअल फंड से डरते हैं, तो मैं म्यूचुअल फंड का डर इस तरह से निकालता हूं कि जैसे मान लीजिए कि गर्म तवे पे एक बूंद पानी रख देंगे तो कैसे वो उड़ जाता है, मुझसे बात करेंगे 15-20 मिनट तो आपका डर उसी तरह उड़ जाएगा। आप चाहें तो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मंथली मीट में, वेलफेयर मीटिंग में आप हमसे ऑनलाइन गूगल मीट पे क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।